हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू काशिफ हाशमी व्लॉग्स। तो आ गए हैं जयगढ़ फोर्ट। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस किले से जुड़ी सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में, इसके ख़जाने का रहस्य और इससे जुड़ी सभी रोचक कहानियां जो कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और पूरी वीडियो ज़रूर देखिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो यार, जयगढ़ की एंट्री के लिए टिकट है 150 रुपीज़ जो कि यहाँ चेक कराना पड़ता है। यहाँ से चेक कराने के बाद चलेंगे अंदर और सबसे इम्पोर्टेंट जयवान तोप होने वाली है। तो जयवान तोप हम सबसे पहले दिखाएंगे आपको। और यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनन ऑन द व्हील्स, जयवान पहियों पर विश्व की सबसे बड़ी तोप जो कि हम देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं जयवान तोप के लिए आगे। ये हम जयगढ़ के सबसे टॉप पॉइंट पे खड़े हैं, देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा ऊंचाई पे यार। ये जयगढ़ फोर्ट का नज़ारा है यार। ये वहीं से भी हम आए हैं। पीछे देख सकते हैं मेरे, देखिए जयपुर का ब्यूटीफुल नज़ारा पीछे देख सकते हैं। वहाँ पर गाइस, वहाँ पे जो आमेर महल है जो नेक्स्ट सीरीज़ में हम ज़रूर दिखाएँगे। तो यार ये देख सकते हैं जल महल जो कि यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है बट यहाँ से विजिबल है। तो नेक्स्ट सीरीज़ में, नेक्स्ट एपिसोड में आपको ये भी ज़रूर दिखा जाएगा। ये मानसागर लेक पे बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं दुनिया की सबसे बड़ी तोप के बिल्कुल सामने खड़े और आपको बिल्कुल करीब से इसको दिखाने वाले हैं। और यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है देखने के अंदर, बड़ी फैसिनेटिंग सी चीज़ है ये। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा यूज है दिखने में, शायद कैमरे पे दिख रही है या नहीं, आई डोंट नो। तो यार जी जो बैरल आप सामने इसका देख रहे हैं, जो आगे से बैरल निकला हुआ होता है, जिसकी लंबाई लगभग 20 फिट और 20 फिट यार बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ होता है। तो 20 फिट इसका बैरल का साइज़ है। और इसकी व्हील की अगर हम बात करें तो 9 फुट ऊंचाई इनके व्हील्स की है। टोटल वेट इस कैनन की जो है वो 50 टन है जो कि 50,000 किलो होता है यार। बहुत ज़्यादा वेट है इसका यार, अमेजिंग। तो इसका जो बैरल है उसके ऊपर एक कुछ नक्काशी की हुई है जिसके ऊपर हाथी बने हुए हैं, कुछ पेड़ और कुछ बर्ड्स से नक्काशी की गई है इसको, इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। इसको बनाया था 1720 ईस्वी में इसी जयगढ़ किले में, जो कि इसी जयगढ़ किले में एक कारखाना है जहाँ पे बारूद और दूसरे हथियार बनाए जाते थे और काफ़ी सारी तोप बनाई जाती थी, जिसमें कि सबसे बड़ी तोप ये जयवान तोप है जो कि आप देख रहे हैं सामने। और इसके अंदर इसके जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है एक व्हील्स के अंदर, जो इसको एक 360 डिग्री घूमने में मदद करता है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ लगाई गई है जो इसे घूमने में मदद करती है। मतलब इसको अगर टर्न लेना है तो इसको मदद करती है। इसका जो टारगेट है वो 22 मील तक ये टारगेट कर सकती है और इसको टेस्टिंग के लिए एक बार चलाया जा चुका है। और टेस्टिंग के दौरान जब इसे चलाया था तो ऐसा माना जाता है कि जिसने इसको चलाया था उसके कान के पर्दे फट गए थे। और इसका जो गोला था, एक बार में 100 किलो बारूद का गोला इसमें भरा जा सकता है और एक बार में 100 किलो बारूद यार, 1 क्विंटल बारूद जब दागा जाएगा 100 किलो का एक गोला, तो वो बहुत डिस्ट्रॉइंग हो सकता है वो। तो इस तोप को बनाने के पीछे एक ये मकसद था कि इसको, इस किले को सुरक्षा प्रदान करना और इस किले की सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया था। हालांकि इसको कभी युद्ध में यूज़ नहीं किया गया है और इसको बने हुए लगभग 302 साल हो गए हैं। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इस किले के बारे में जो मुझे लगी वो ये थी कि इसमें एक पवन सुरंग बनाई गई है जो कि इस किले में मौजूद कारखाने में जो कि बारूद का और तोप जो इस किले में बनाई गई है काफ़ी सारी, उसको बनाने के लिए एक कारखाना था जिसमें एक पवन सुरंग थी जो इस किले की जो ऊंचाई थी उस ऊंचाई की वजह से इस किले में जो पवन सुरंग थी उसमें एक बहुत अच्छे प्रेशर से हवा पहुंचती थी और वो हवा पहुंचते मतलब हवा वहाँ से होते हुए अंदर की ओर जाती थी और वो भट्टी तक पहुँचती थी। भट्टी से वो हवा लोहे को पिघलाने के लिए उसको यूज़ किया जाता था उस हवा को, और उसका टेम्परेचर जो उस हवा से 1320 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता था, जो कि यार बहुत अमेजिंग चीज़ थी। इतने बड़े रात नीचे वाटर हाउस के अंदर रहता था, पंखड़ियाँ होती थी, ऊपर पानी जाता था, साइडों से पानी गिरता रहता था। अच्छा, साइडों पानी गिरता रहता था। सेम दोनों वाटर कूलर है, वो एलिफेंट बागी राजाओं के लिए राइडिंग के लिए होती थी। अच्छा, राजा लोग इसके ऊपर बैठ के जाते थे, एलिफेंट के लिए होता था। वो छोटा टेबल फैन होता था, ये टेबल फैन होता था, ये नगाड़े होते थे बजाने के लिए, ये नगाड़े देख सकते हैं, नगाड़े बजाने के लिए, और ये एयर कूलर, और ये जो हाथी और घोड़ों पे लगते थे। नहीं हाथी घोड़ों पे नहीं, ऊँट पे हाथी का है वो कि स्पेशल। तो ये एलिफेंट राइड के लिए राजा महाराजों के लिए, और ये कूलर जो मैंने दिखाया आपको, यार देखो कैसे ठाट थे राजाओं के। यार ये वाला दीवाने आम कह सकते हैं इसको, क्या बात, ये पब्लिक के लिए नहीं, बट फिर भी इसको इतना अच्छे से बनाया, इतना बड़े एरिया में बनाया कि इट लुक्स रियली नाइस। पुरानी चीज़ें देख के मज़ा आ जाता है यार, सीरियसली बहुत अच्छी होती है। तो ये देख सकते हैं, ये भी पद्मनाभ सिंह के नाम से है, उनका उनके अंडर में ये प्लेस है। अभी भी यहाँ सैनिकों की सीक्रेट मीटिंग हुआ करती थी। साफ सफाई है, कोई गंदगी नहीं है। बीच में एक पेड़ लगा हुआ है आम का। ये है लक्ष्मी विलास, अंदर जाना अलाउ नहीं है। अंदर यार एक शायद बग्घी रखी हुई जिसमें महारानियाँ बैठा करती थी और उनको सैनिक लेके चला करते थे, कुछ ऐसा ही लग रहा है। और अंदर जाना अलाउ नहीं है। दिस इज दी, वाओ, यहाँ पे राजा महाराजा बैठा करते थे, मीटिंग हुआ करती थी। इसलिए कनेक्टेड है आमेर महल से, तो शायद यहाँ पर राजा आया करते होंगे अपने सैनिकों के साथ में, और मीटिंग हुआ करती थी। ये महारानियों के लिए महल, लक्ष्मी विलास महल। So this is how it place, this place looks like. अच्छा, थिएटर रूम था प्राइवेट, क्या बात है। गाइस, ये राजा रानियों का एक प्राइवेट थिएटर कह सकते हैं, पपेट शोज़ वगैरह होते हैं। तो आप देख सकते हैं पपेट शो अभी भी, तब से लेके आज तक यहाँ पे कुछ हो रहा है। पहले भी कुछ हुआ होता होगा यहाँ पे, पहले भी कुछ शोज़ वगैरह होते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो रॉयल बग्घियाँ हुआ करती थी जो एलिफेंट्स के ऊपर लग के, और फिर जहाँ रानियाँ, देखो रानियाँ इसमें बैठा करती थी, जो रानियाँ हैं उसमें पर्दे लगा करते थे। अब तो वो पूरी टूट फूट गई है, बट आज भी इन्होंने संभाल के रखी है गवर्नमेंट ने। तो ये रानियों के लिए हैं, बाकी जो ओपन वाली हैं वो किंग के लिए थी। तो एलिफेंट के ऊपर लगती थी बहुत ऊंचाई पे, और बहुत रॉयल लगते होंगे यार, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कैसा कैसा लगता होगा। ये देखिए गाइस, कितनी सारी बगियाँ हैं यार, वाह, बड़ा ही खूबसूरत बगियाँ हैं यार, बहुत खूबसूरत बगियाँ हैं। मतलब इनको देख के ऐसा लग रहा है कि इन पे बैठ के ही मज़ा आ जाता हुआ राजा को। तो उधर चलना है सामने। तो ये अब हम चलते हैं ललित मंदिर की तरफ, फ्रॉम हियर राइट। यहाँ पे फाउंटेन है, ब्यूटीफुल प्लेस। ये है अरावली पर्वतमाला, अरावली सीरीज ऑफ माउंटेन्स। तो ये प्रोटेक्शन के लिए यार ये चारों तरफ दीवार बनाई गई उस टाइम पे, ताकि कोई भी इजीली एंटर नहीं करे। इतनी ऊंची दीवार है कि नॉर्मली को चढ़ भी नहीं सकता, आज भी नहीं चढ़ सकता। सिक्योरिटी के लिए चारों तरफ से इसको, और एक सामने वॉच टावर है यार देखो, वहाँ पे सैनिक हुआ करते थे दूर से देखने के लिए। अगर कोई ऐसा सस्पिशियस आ रहा है तो उसको दूर से देख करके आइडेंटिफाई कर लिया करते थे। बहुत दूर है यहाँ से, जूम करके मैंने दिखाया आपको, शायद विजिबल हो। ये देखो दीवारें यहाँ बनी हुई हैं। इस गैलरी में चलते हैं। दबंग 3 में कौन सा सीन हुआ था यहाँ पे? अच्छा, ओके ओके ओके। अच्छा, अमिताभ लाल बादशाह मूवी की शूटिंग है वो इन दरवाज़ों की है। वाह, आज भी उतना ही खूबसूरत है गार्डन। ये गार्डन एक डेवलप किया गया था उस टाइम पे, क्योंकि ये भी ज़रूरी था यार राजाओं के लिए। अच्छा, भंसाली जी को जो कंट्रोवर्सी हुई थी, स्लैप किया था भंसाली, डायरेक्टर हैं जो संजय लीला भंसाली, उनको स्लैप किया था। वो यही जगह, यहीं शूटिंग चल रही थी, तो यहीं पे उनको स्लैप किया गया था। तो ये जो येलो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं, ये है आमेर पैलेस, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको ज़रूर दिखाने वाले हैं, और अपने आप में एक बहुत ही शानदार जगह है। अच्छा, वो जो दिख रहा है 3 खिड़कियाँ, ये टनल थी। अच्छा, ये रास्ता जो जा रहा है पैदल पैदल ऊपर जाने के लिए, जयगढ़ जा रहा है रास्ता ना? ओके, नीचे मावठा है। आमेर जो रेन वाटर होता है वो इसमें आके ठहर जाता है, और यूज़ के लिए था पहले, आमेर पैलेस के यूज़ के लिए, राइट। और ये पुराना जयपुर शहर जो बहुत, आज से 400 साल, 1727 से पहले का जो बता रहे हैं गार्ड साहब। वाह यार, पहाड़ियाँ देखिए अब। अरावली सीरीज है ये, अरावली माउंटेन्स। ये अभी ग्रीन पूरे हुए हैं क्योंकि रेनी सीजन है अभी। जल महल भी कवर करेंगे थोड़ी देर में। पैदल का रास्ता ऊपर है। देखिए यार कितना अच्छा व्यू है यार, बहुत बड़ा यार आमेर पैलेस। अभी शायद ऊपर से बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन हम अंदर से देखेंगे इसको जाके। नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे इसको। ये देखो यार, चमगादड़ कैसे लटकी हुई है उल्टी। किले में ये चीज़ तो ज़रूर मिलती है यार, चमगादड़ तो ज़रूर मिलती है। ओहो, किस तरह उल्टी लटकी हुई है, काफ़ी सारी हैं। सीधे चलना है। और ये क्या चीज़ है, जेल जैसी? ऊपर जाने का रास्ता। अच्छा, रास्ता है वो बंद है लेकिन। तो जयगढ़ के बारे में एक मिसकनसेप्शन मैंने सुना है, और लोगों में काफ़ी अफवाहें सुनने को मिलती हैं, जैसे कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने यहाँ पे एक आर्मी के काफ़ी सारे लोगों को भेजकर वो पूरा रोड ब्लॉक किया था। आर्मी के लोगों ने पूरा रोड ब्लॉक कर दिया था, और आर्मी वालों ने मेटल डिटेक्टर से सर्च किया था कि ख़जाना इस जयगढ़ में है या नहीं। तो कई लोगों का मानना है कि इंदिरा गांधी ने ट्रक से भर के ख़जाना वो कहीं ले गई थी और उसका आज तक पता नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। फैक्ट ये है कि यहाँ पे ख़जाने का सर्च ऑपरेशन ज़रूर चलाया गया था, बट ख़जाना बिल्कुल भी यहाँ नहीं मिला था। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकला था कि यहाँ पे ख़जाना नहीं है जयगढ़ में। दैट मीन्स जयसिंह सेकंड, जिन्होंने सारा ख़जाना और जितना भी पैसा उनके पास था वो सभी इन महलों को एक्सपेंड करने में और इन अलग से जो बाद में महल बनाए गए, जैसे कि राम सिंह ने नाहरगढ़ बनाया को एक्सटेंड किया, माधो सिंह ने बनाया नाहरगढ़ को एक्सटेंड किया, अलग महलों को बनाया, तो उन सब में उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया गया था। जो कि ख़जाना मुग़लों ने जैसे अकबर के टाइम पे जो ख़जाना जयपुर में लाया गया था, तो वो ख़जाना आज तक नहीं मिला है। तो उस ख़जाने को यूज़ कर लिया गया था और वो ख़जाना इस महल में नहीं मिला है। तो सिर्फ एक ये र्यूमर, एक फैक्ट यही है कि इंदिरा गांधी ने सर्च ऑप्शन चलाया था बट उसमें मिला कुछ भी नहीं था। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, बाय, टेक केयर।